खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं हम। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पलवल में काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रही हैं, उसके बाद भी कुछ विशेष तरह की सुविधाएं, विशेष तरह के योजनाएं किस तरह की नई समय के अनुसार नई बनाई जा रही हैं जो लोगों को लाभान्वित करें? इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की पलवल और फरीदाबाद जिले में जितनी शाखाएँ हैं, इनमें हमने एक एरिया बेस्ड स्कीम्स नाबार्ड की तरफ से जो आई है वो मधुमक्खी पालन के लिए योजना है। जो भी हमारे नवयुवक जिनको रोजगार इस विषय में चाहिए, इस दिशा में चाहिए, तो वो मधुमक्खी का पालन का व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की तरफ से भी उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक भी ऐसे नवयुवकों को ट्रेनिंग दिलवाने में भी मदद करेगा और जो हरियाणा सरकार की तरफ से सब्सिडी या अनुदान मिलता है वो भी उनको दिलवाया जाएगा। और इस दिशा में जो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी वो हमारा जो स्थानीय रूट सेट यहाँ पे चलता है सेंटर पलवल में, उससे भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, कृषि विज्ञान केंद्र से भी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। तो जो भी हमारे नवयुवक मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहते हैं वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखाओं में जाएँ और वहाँ हमारे शाखा प्रबंधक से बात करें, और उसके बाद जिनको जो अनुदान के पात्र हमारे नवयुवक हैं वो DIC के साथ अपना फार्म भरवा के उनका फार्म टास्क फोर्स से क्लियर होके हमारी शाखा में आएगा और हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवा के ये व्यवसाय शुरू करने में उनकी मदद करेंगे। इसके साथ ही एरिया बेस्ड स्कीम्स में पलवल डिस्ट्रिक्ट में और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो मिनी डेयरी की योजनाएं हैं किसानों के लिए, जो किसान भैंसों के लिए ऋण लेना चाहते हैं या गायों के लिए ऋण लेना चाहते हैं, तो पशुधन के विकास के लिए जो मतलब अपना व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और नाबार्ड की ओर से जो अनुदान भी अवेलेबल है। तो इस प्रकार से जो इच्छित पात्र हैं, जो रोज़गार अपना नवयुग इस दिशा में करना चाहते हैं, जो किसान इस दिशा में रोज़गार करना चाहते हैं दूध पालन से, मतलब भैंस पालन या गाय पालन से, वो सभी हमारी शाखाओं में संपर्क करें, हम उनकी पूरी सहायता करें। गायों की डेयरी के लिए, गाय पालन के लिए, गाय खरीदने के लिए किस तरह का अनुदान दिया जा रहा है? इसमें नाबार्ड की अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे दो भैंस या दो गाय के लिए भी एक योजना है, यदि कोई किसान तीन गाय या तीन भैंसें लेना चाहता है उसके लिए भी है, पांच भैंस के लिए भी योजना है, अधिकतम 10 पशु इसमें योजना में हमारा किसान या जो पात्र नवयुवक है वो ले सकता है और नाबार्ड की ओर से उसमें 25% तक अनुदान मिल सकता है अधिकतम, और एक पशु के साथ 15,000 रुपये अनुदान राशि होती है, और अधिक से अधिक 10 पशु इस योजना के तहत हमारा किसान या हमारा जो नवयुवक है वो ले सकता है। धन्यवाद।